पे आ गए हम पर्ची बनवाने के लिए। कह रहे पवन बन गई लू मरीज पर्ची लेके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के हो रहे हैं 7:25 और हम लोग जा रहे हैं आम तोड़ने। नया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम तोड़ने जा रहे हैं क्योंकि ना आम क्या पता थोड़े बड़े साइज के हो तो ख़राब हो जाए या फिर पकने के लिए छोड़ा जाए तो आंधी बांधी आ रहा है तो पूरा टूट के गिर जाएगा। फिर टूट के जब गिरेगा ना तो फूट जाएगा, तो फूट जाएगा तो कोई किसी काम का होगा नहीं। पवन, तो इसके नाते ना तोड़ के उसको छील के और चाशनी से चास के और चीनी मिला के धूप में रख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो दादी का ये आइडिया है। तो हम लोग जा रहे हैं आम तोड़ने और सारा आम तोड़ेंगे। आज मुझे जाना है देवरिया अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक कि 9:30 तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। 9 बजे से जाऊँगी, अभी 7:30 हो रहा है। तो जो कुछ भी काम है निपटा लेती हूँ, दिन तैयार होते हैं उसके बाद चलते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, जो भी होता है इस वीडियो में शेयर करते हैं। बहुत तू हीरो बनेला। ओ हाई वाला निवरा ना दा, हटा छोड़ा, फट गए, हट जा, फट गए तो काका कौन नीचे हो जाते छुट्टी चुक गए। हां हटा देखो, पीछे से घी चुदे आगे कहां जाता है। कौन ना रे टूर फट दरे बैठ गए भाई लोग बैठे हैं। जी जी हट भाई, जी जी का जी जी कौन एक बल्टी अतुरा जाएगी। इतना ज्यादा तोड़ा गया है और पवन जी हम दादी सब लोग मिलके तोड़े हैं। सो आम तोड़ने के बाद अभी का सीन कुछ ऐसा है कि दाल मैंने बना दिया था और भिंडी की सब्जी से अच्छा ना मुझे भिंडी का एक कलौजी अच्छा लगता है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि बना दूँ। फटाफट बन भी जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है बस मसाले को तैयार करने में। तो मसाला तैयार करके भिंडी में फिल कर दी थी, उसके बाद से जा रही हूँ मैं यहाँ पे इसको फ्राई करने। तो अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर देंगे उलट पलट के, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग बताओ कलौजी अच्छा लगता है या फिर आपको भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग। एंड हो गए 9:40 और अभी को मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। मैं जा रही हूँ देवरिया सदर हॉस्पिटल, कुछ दवा लेना था मुझे अपने लिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, जो भी होता आगे शेयर करते हैं। यहाँ पे आ गए हम पर्ची बनाने के लिए। यहाँ पे महिला यहाँ पे पुरुष को 1 रुपये में पर्ची कटती है। हम गए थे सदर हॉस्पिटल देवरिया। मैंने पहले कई सारी वीडियो में बताया कि मेरे मतलब बड़े पापा के लड़के हैं वो फार्मासिस्ट हैं, तो उनके थ्रू मैंने डॉक्टर कंसल्ट किया था। तो वो बोले आ जाओ दिखा। कह रहे पवन बन गई लू मरीज पर्ची लेके। जब गई डॉक्टर ने देखा तो बोला डॉक्टर ने कि आप जांचें करवाओ। उन्होंने 4-5 जांच लिखा था, तो फिर मैं वापस घर आ गई क्योंकि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। घर आई तो मेरा एक जो है ना पार्सल रिसीव हुआ था मुझे, कुछ गिफ्टेड आइटम जो कि मुझे बहुत पसंद है, इस तरह की सीनरी। तो ये राधा कृष्ण जी की सीनरी है, 3 है इसमें, 2 छोटे छोटे हैं साइड में कॉर्नर पे नीचे ऊपर करके लगाने के लिए और एक सेंटर के लिए। तो ये सेंटर वाला एंड ये साइड वाला है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस टाइप का। मैंने आपने देखा होगा मैंने लगाया भी है, राधा कृष्ण का ही लगाया है लेकिन वो दूसरे तरह का है। तो ये कुछ ऐसा फाइनल लुक है इसका। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है मुझे, इसकी शाइनिंग मुझे बहुत पसंद है एंड दीवार पे लगाने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे रिसीव हुआ था, काफ़ी टाइम से मैंने ऑर्डर कर दिया था लेकिन रिसीविंग में ना पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया। मुझे ये वाला प्रोडक्ट 4 दिन में मीशो का प्रोडक्ट मुझे रिसीव होता है, बट 1 हफ्ते लग गए थे इसको आने में। पता नहीं कहाँ से आ रहा था इतना दूर से। और फाइनल लुक देखिए कितना खूबसूरत है, ओ कितनी खूबसूरत है यार। तो
ये सब काम किया। शाम के टाइम में साग हो गया था तो साग मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि आजकल का साग ना बहुत ज़्यादा इसमें बीज पकड़ लेते हैं, मतलब बीज लग जाता है, तो इसके नाते मैं फटाफट से तोड़ रही थी साग। और हालत देख सकते हो, बाल ऐसे ही कबाड़ा जैसे हो गया है। और सिस्टर को बोले थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि ना सब कुछ मैं अपना खुद से ही करती हूँ, वीडियो एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, सब कुछ आलवन मैं खुद से करती हूँ, लेकिन कभी कभी बोल देती हूँ तो सिस्टर भाई कर देते हैं लोग। तो यहाँ साग मैं तोड़ लूँगी। देखिए कितना अरवी का पत्ता फिर से हो गया, यहाँ तक हो गया, पहले वहाँ से था अब यहाँ तक आ गया, क्योंकि प्रॉपर ना इसमें पानी डाला जा रहा है। और उधर का ना काट के मैंने एक आंटी को दे दिया, मांगी थी, और इधर का बच्चा है, तो इधर का मैं बनाऊंगी मंडे को। तो और इतना साग निकाल लिया, इसमें कुछ ना बीज वाले जितने साग देख रहे हैं और पत्तियाँ ख़राब है, सब तोड़ के निकाल दूंगी मैं। सो फैमिली, अभी तक आपने जो वीडियो देखा था वो था शनिवार का, और आज है बुधवार। शनिवार को मैं गई थी ना, तो मुझे लगा था नॉर्मली कि दवा दे देंगे लोग, कुछ तो ऐसा जेन्युइन सा प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा, बट ना डॉक्टर ने 3-4 टेस्ट लिख दिए थे एंड अल्ट्रासाउंड लिखा था। तो देखो, बीमारी छोटी सी हो या बड़ी हो, जाँच करवा लेने से एक सेटिस्फेक्शन खुद को मिल जाता है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, मैंने जैसा प्रॉब्लम मुझे था मैंने उनको बता दिया, देन उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिखा। तो टेस्ट के लिए मैंने ब्लड दे दिया था और रिपोर्ट भी कल शाम को आ गया है। अभी जा रही हूँ, अभी आज है बुधवार, तो अभी सुबह के बज रहे 9:10 और अभी निकले 9:30 तक मैं पहुँच जाऊँगी देवरिया हॉस्पिटल में, और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराऊँगी, देन जो भी रिपोर्ट होगा उसको लेके डॉक्टर को दिखाऊँगी, जो भी डॉक्टर का दवाई का होगा या फिर कुछ मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा बताएंगी, अपना दवा वा लेके फिर आऊँगी। तो चलिए, इस वीडियो को मैंने उस दिन शूट किया था थोड़ा सा ब्लॉग, देन इसके बाद आज कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि फिर दो वीडियो ना हो दवा हुआ का, मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती, बट पता नहीं क्या रीज़न है, 2 मंथ से मेरा थोड़ा सा मंथली प्रॉब्लम था, तो इसके नाते मैंने सोचा दिखा लेते हैं, क्योंकि आजकल ना बीमारी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी किसी को भी किसी उम्र में हो सकता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है और क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा ना नर्वस सा लग रहा है, उस दिन भी नर्वस सा लग रहा था, देन आज भी लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। यहाँ पे जब गए तो कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था मैंने, आया तो मैंने बस ये जस्ट रोड का व्यू दिखाया आप लोगों से। धूप इतना तेज़ हो रहा है ना आजकल की, इतना एनर्जी लो हो जा रहा है कि बताना नहीं है, मुंह देख के पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत किस तरीके से है आजकल। और ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि डेली डाल पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा अभी मेरे से, क्योंकि ना वीकनेस, मेरा बॉडी तो ठीक है, देखने में बहुत मैं स्ट्रांग हूँ, एंड वीकनेस अंदर से बहुत ज़्यादा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये धूप ऊप जब ज़्यादा होता है ना, तो मेरे साथ हर साल ऐसे ही होता है। घर आ गई थी, घर आने के बाद आप लोगों से दिखा देती हूँ, एक कशिश डायग्नोसिस के वहाँ मैंने ये करवाया था अपना अल्ट्रासाउंड लिखा था, और 4 जाँचें और लिखी थी। ये है दवाई जो डॉक्टर ने लिखा है, एंड ये है जांच का रिपोर्ट जो डॉक्टर ने मतलब कंसल्ट करने के बाद बताया कि क्या क्या जांच कराना है, एंड ये जांच का पूरा रिपोर्ट है, आप लोग देख लो। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि हॉस्पिटल गए फिर शेयर नहीं किया, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, तो दिखा देती हूँ। ये है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट। तो कुल मिला जुला के डॉक्टर ने बताया है परहेज के लिए, खाने पीने में परहेज के लिए, एंड जो भी टेस्ट हुआ था उसमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, बस दवा दिया है उन्होंने 3 मंथ का। ये फर्स्ट दवाई है जिसको रात में लेना है, एक गोली 21 दिन करके 3 महीने, और उसके बाद से एक और दवाई है जो लंच के बाद खाना है। तो कुल मिला जुला के तबीयत पे अब फोकस करूँगी मैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय।